स्क्वायर प्लस टू ए बी ए माइनस बी होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी गुणित ए माइनस बी ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए प्लस टू जी प्लस टू ए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी गुणित ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए ए प्लस बी होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए स्क्वायर ए माइनस बी होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए स्क्वायर. हे माँ, आई एम इन टाउन. Finally, after long 3 months. Yes, mom. Finally. Maybe how much time would you take to reach home? 2 hours. No, 3 hours. 3 hours. But why, Sia? हमारा घर एयरपोर्ट से इतना दूर नहीं है. Actually, mom, मैं पहले अपने सुपर हीरो से मिलने जा रही हूँ. कौन? पराग भैया. But why, Sia? पहले घर आके कुछ खा लो फिर चले जाना. माँ, वो पराग भैया है, द मैथमेजिशियन. लोग बार कैलकुलेटर पे डाउट कर सकते हैं, पर पराग भैया के कैलकुलेशन पे कभी नहीं. माँ, ही इज़ 40 एंड उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है. यू नो वाई? बिकॉज उनका कहना है कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने उन घाट के बच्चों के नाम कर दिया है. कैन यू बिलीव इट? माँ, आज के टाइम पे ऐसा कौन करता है? माँ, आई गॉट अ गो, बाय. कम ऑन सिया, लेट्स मीट पराग भैया. 5 साल पहले मिली थी, अब तो बदल ही गए होंगे. स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही है. अपना ख्याल रखें, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखें. मात नर्मदे हर, जय हिंद जय भारत. बिल्कुल नहीं बदले. कौन है भैया? मैं सिया. कौन सिया? अरे भैया, सिया. ए सी सी, इधर आ भैया. वो वाली सिया? ओ अच्छा, सिया. नहीं पहचाना क्या यार भैया? अरे मजाक कर रहा हूँ. कैसी है? कितने दिनों बाद देख रहा हूँ तुझे, कितने सालों बाद. वरना दांत में ब्रेसेस, वो तेल लगा हुआ था, हैरी पॉटर वाला चश्मा, कितना बदल गई हो तुम. हाँ भैया, उड़ाल मजाक. अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ यहाँ कैसे? भैया, आई एम डाई हार्ड फैन ऑफ योर्स. यू नो व्हाट, आई वाज स्टक इन दिल्ली फॉर पास्ट 3 months बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन. तो करने को तो कुछ था नहीं, तो इंस्टा पे डेली आपके पोस्ट देख रही थी. भैया सीरियसली, योर रियल लाइफ सुपर हीरो लाइक पराग मैन. भैया आप सच में बहुत बड़ा काम कर रहे हो. चुप बे, मैं कोई बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ. मैं वो ही कर रहा हूँ जो लोगों को करना चाहिए था. खैर ये सब छोड़, ये बता दिल्ली में क्या कर रही है? दिल्ली में एक बहुत बोरिंग सी जॉब कर रही थी जो छोड़ने का सोच रही हूँ. बिसाइड दैट, आई राइट माय ओन ब्लॉग. मैं जबलपुर सिर्फ आपकी स्टोरी जानने के लिए आई हूँ. मैं पूरी दुनिया को आपके सक्सेस और आपके स्ट्रगल्स के बारे में बताना चाहती हूँ थ्रू माई ब्लॉग्स. तेरा ब्लॉग कोई पढ़ता भी है? भैया अगर मैं एक ऐसे इंसान के बारे में लिखूंगी जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उन बच्चों के नाम कर दिया जिन्हें वो जानते भी नहीं, तो लोग पढ़ेंगे. सॉरी सिया, मैं अपनी जिंदगी के बारे में किसी को बताना नहीं चाहता. तुम किसी और को ढूंढ लो. भैया प्लीज प्लीज प्लीज, आपकी स्टोरी सुन के लोग इंस्पायर होंगे. ये लोग इंस्पायर होंगे? अबे ये लोग किसी से इंस्पायर नहीं होंगे, किसी से नहीं. पूरे लॉकडाउन में ना ये जितने रईस हैं अपने घर में बैठ के वेब सीरीज देख रहे थे और वहाँ गरीब भूखे प्यासे सड़क पे सो रहे थे. ये क्या किसी से इंस्पायर होंगे? भैया एक ट्राई करके तो देख सकते हैं. सॉरी सिया. भैया प्लीज. नो प्लीज. नो प्लीज. नो प्लीज. चुप, चुपचाप वहाँ जाके बैठ जा. तू नहीं मानेगी ना? नहीं. चल ठीक है, तुझे शुरू से बताता हूँ. चाय पिएगी? हाँ. चल जा, नीचे से 2 लेके आ. अरे बैठ बैठ बहन, मजाक कर रहा हूँ. अच्छा सुन, सब कुछ बताऊंगा लेकिन लिमिटेड लिखना. डोंट वरी भैया, आपकी गर्लफ्रेंड्स के बारे में थोड़ी लिखूंगी. ओके. तो भैया हम सब जानते हैं कि आप पहले लड़ाई झगड़े में बहुत थे, तो आपकी पहली लड़ाई क्यों और किस वजह से हुई थी? मेरी पहली लड़ाई क्लास 11th में हुई थी, एक लड़की के पीछे हुई. ऑब्वियसली. ओए चुप चुप चुप, स्टोरी सुनना है ना, चुपचाप सुन.
पराग रुक, मुझे सिर्फ बात करनी है तुझसे। इतना तो मैं भी जानता था कि वो लोग सिर्फ बात करने के लिए मेरे पीछे नहीं भाग रहे थे। पराग खड़ा हो। देख, मुझे नहीं पता कि कल मेरी बहन ने तेरा हाथ पकड़ा था या तूने मेरी बहन का। बस इतना जान ले कि मेरी बहन तेरी भी बहन है। भाई कहाँ फंसा रहा है? ऐसा किस पुराणों में लिखा है कि तेरी बहन को मेरी बहन होना जरूरी है? पराग फालतू बात मत कर, दोस्त है तू मेरा, अच्छा दुश्मन मत बन। देख भाई, मैं तेरी बहन को लाइक करता हूँ और वो मेरे को लाइक करती है, और रही बात हाथ की तो तेरी बहन ने मेरा हाथ पहले पकड़ा था। लाइक करेगा? मेरी बहन को लाइक करेगा? दिखना नहीं मेरी बहन के आसपास। असल जिंदगी थी इसलिए पिट गया, अगर पिक्चर होती ना तो अपन भी एक दो को मार देते। वाह भैया, मतलब आप बचपन से ही स्टार्ट थे। स्टार्ट तो हम आज भी हैं। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, एट द एंड वो लड़की हमारी बहन बन गई। बहुत पिटाई लगाई थी सालों ने। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या था? तब मैं कॉलेज में था और कॉलेज में आए दिन मेरी लड़ाई होती थी, हर दिन किसी से लड़ाई किसी से झगड़ा। मैं अपनी मैकफोन उठाता था और लड़ने चला जाता था। मेरी मम्मी जी मुझसे बहुत परेशान हो गई थी। आए दिन मैं लड़के घर पहुंचता था और एक दिन मैं घर पहुंचा। पराग? हाँ माँ। इधर आ। क्या हुआ? आज तू फिर लड़ाई करके आया ना? नहीं तो, किसने बोला? इधर आ। हाँ माँ, आ रहा हूँ, एक मिनट। चेहरा दिखा। हाँ। पूरा चेहरा। हे भगवान, क्या करूँ पराग तेरे साथ, आए दिन पिट के आ जाता है। माँ मैं बस पिट के नहीं आता हूँ, मार के भी आता हूँ। वाह शाबाश बेटा, मैं पिट कर नहीं आता हूँ, पीट कर आता हूँ, बहुत अच्छा। हे भगवान। अरे यार माँ, एक बात बताओ, अगर कोई हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाए, हमें दबाने की कोशिश करे, तो हम दब जाएं, अपनी आवाज भी ना उठाएं? बेटा आवाज उठाओ ना, हाथ क्यों उठाते हो? माँ ये तुम्हारे गांधी जी वाला जमाना नहीं है कि एक गाल पर मारो फिर दूसरे गाल को आगे कर दो, फिर वो मारेगा नहीं, वो उस गाल पर भी मारेगा, ऊपर से वो और मारेगा, और उसके बाद गाली देगा, फिर जाएगा वो। पराग तेरे से तो बहस करना ही बेकार है, छोड़ ये सब, सुन मेरी बात। हाँ। घर के नीचे जो चाय वाला रहता है उसके बच्चे को तो आज से पढ़ाएगा। क्या? मैं किसी को नहीं पढ़ाने वाला। पराग सुन। मैं नहीं सुनूंगा। सुन। मैं सुनने ही नहीं वाला, जो करना है कर लो। हमेशा उसकी मदद करना जिसकी मदद कभी कोई नहीं करता, और जिसकी मदद कभी कोई नहीं करता है वो इंसान अपने आप को बेकार समझता है, और बेकार इंसान अपनी जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाता, समझा? ठीक है माँ, पढ़ा दूंगा।
वैसे आज खाने में क्या बना है? जा बाहर, मार खा के आओ लड़कों की। खाना क्यों खा रहे हो यार? इसका कुछ करना पड़ेगा यार। क्या? इधर आ। पढ़ाई करेगा? आप पढ़ाओगे? हाँ तो? शकल से तो गुंडे लगते हो। अबे तू पढ़ेगा कि नहीं? ठीक है पढ़ा दो। शाम को घर आ जाना मेरे। हर एक की जिंदगी में एक ऐसा इंसान होता है जो उसकी जिंदगी बदल देता है, और उस बच्चे ने मेरी जिंदगी बदल दी। फिर अपन वहां से उठे और कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। अपनी साइकिल पे जबलपुर के हर कोने में, हर गली में पढ़ाने जाता था। मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट बच्चा 90% के ऊपर मारता था, और धीरे धीरे बच्चे आने लगे, रिजल्ट इंप्रूव होने लगा, और एक के बाद एक बच्चे आते चले गए। और सब मुझे पराग भैया कहने लगे। पराग सर कोई नहीं कहता था, क्योंकि शायद उन सबको मुझ में उनका बड़ा भाई दिखता था। और तब पराग बन गया पराग भैया। 2001 में मैंने अपनी पहली कोचिंग खोली, पराग ट्यूटोरियल्स। कैसे हो भाई? I'm fine. पूरे हैं भाई। आप पर तो हमें भरोसा है पराग भाई। चलिए चलते हैं। ठीक। तेरे माँ बाप फीस भरते हैं, यहाँ तेरे को भेजते हैं, यहाँ टाइम पास करने के लिए भेजते हैं, हैं? उठ इधर से, उठ, निकल बाहर, निकल। अभी तुझे पता है पराग भी है ना फीस नहीं गिनते। देख अगर अपन एक दो नोट निकाल लेंगे ना तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा। चल दिखाता हूँ। पराग भैया फीस रख दे। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना लालची हो गया इंसान। हर हर महादेव। खाते जाओ। अबे मंगना कैसी घिनी हैंडराइटिंग है बे तेरी। अबे तेरी कॉपी को ना ऐसे पकड़ने का मन करता है कागज भी गिरा जा रहा है। भैया ये इस सेम का ना। गलत है। सही है। और बेटा राकेश
कल तुम्हारे घर 50,000 रुपए पहुंचाए थे, पहुंच गए ना? हाँ भैया पहुंच गए थे। और चाहिए तो बता देना। हाँ भैया। क्यों बे राकेश, इधर आ। हाँ भैया। कल तू आया नहीं था ना? नहीं भैया। क्यों नहीं आया था? भैया कल शहर में जाकिर खान आया था तो उसका शो देखने गया था। अबे क्यों माँ बाप के पैसे बर्बाद कर रहा है बे, बर्बाद हो जाएगा। 12वीं के बाद क्या करेगा, भीख मांगेगा? अरे भैया वो सोच के रखा क्या है। सोच के रखा है, भीख मांगेगा? नहीं भैया, इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स करूंगा, फिर अपने शहर में बड़े बड़े स्टार्स को बुलाऊंगा। अपने शहर में होता है? नहीं भैया। तेरा बापू तुझे बाहर जाने देगा? नहीं भैया। तो जब ये शहर में ये सब कुछ होने लगे ना तब करना, और आइंदा अगर मेरी क्लास बंक करी तो पूरी क्लास के सामने तेरा इवेंट करवा दूंगा। जा बैठ। यार भाई एक बात बता, मैंने होटल मैनेजमेंट के बारे में सुना है, मैंने बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में सुना है, इवन अपनी मम्मा के मुंह से मैनेजमेंट वर्ड भी सुना है। मैंने बोला है मम्मी सही है, बट आज तक मैंने इवेंट मैनेजमेंट के बारे में नहीं सुना, इसका भी कोई कोर्स होता है क्या? अरे तो यार मजाक है क्या ये सब? देख कल शहर में जाकिर खान आया था, तुझे क्या लगता है 2-4 दोस्तों ने बुलाया होगा और वो जाकिर खान आ गया होगा? नहीं, उसका पूरा नॉलेज चाहिए होता है, इसमें डिप्लोमा होता है, डिग्री होते हैं। फिर भाई कहाँ से लेगा तू इसका नॉलेज? यार पहले तो सोचा था कि एशिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट नीम में लूंगा, लेकिन अपने शहर में है नहीं और पापा कभी मानेंगे नहीं। इसका पूरा नाम ना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इवेंट मैनेजमेंट होता है। तुझे कैसे पता? पीछे मुड़ के देख। देख सिया, यहाँ अपनी 9 कारें खड़ी हुआ करती थी। और बाकी की 3? वो अपनी नहीं है। तो बाकी के 8 कहाँ गए? सिया हम लोग जिंदगी में हमेशा ऊपर नहीं रह सकते, अगर जिंदगी में चढ़ाव है तो उतार भी है। 2012 फ्राइडे का दिन था, मुझे आज भी याद है, और मैं क्लास में पढ़ा रहा था, इतने में मेरा ड्राइवर आया और उन्होंने बताया कि मम्मी जी को चेस्ट में पेन हो रहा है। उसके बाद मल्टीपल प्रॉब्लम्स आते चले गए, उनका लेफ्ट वाला किडनी फेल हुआ 2014 में। हमने फिर वो कार्ड से एक ब्लैक में किडनी लिया, लेकिन वो किडनी मिसमैच हो गया और दूसरा किडनी भी फेल हो गया। उसके बाद 2015-16 में उनके लंग्स में पानी भर गया, एंड देन शी गेव अप, उन्होंने फिर हार ही मान ली। मेरी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत लॉस हो रहे थे, पर उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था। अब मेरी मम्मी जी के जाने के बाद मेरे पास जीने की वजह नहीं थी, और दूसरी वजह मैं ढूंढूं, इतनी मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी। फिर एक रात मैं अपनी क्लास में बैठा हुआ था। आ चल के तुझे मैं ले के चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले। आँखों में कैसी थी नमी, जाना नहीं मैंने ये कमी, सपनों में डूबा हूँ कहीं, जिंदगी सोई नहीं कभी, दुनिया से मेरी ना बनी, भड़का तो बनी ये छवि, दिल से निकले ये सोच पर, माँ से दुनिया है बनी, रहता सबर से बेखबर, आता था घर को रात में,
माँ भी रहती थी यादों में, खिलाती रोटी वो हाथ से। कष्टों से निकले कैसे हम, ढूंढे बैठे कई रास्ते। दोनों बैठे रहते सोचो क्यों किस्मत चली नहीं साथ में। आया मैं तेरी ही बात पर, शिक्षा को लेके तू साथ चल। अपनी मेहनत पे जरा तू ध्यान कर, बच्चे को शिक्षा दे और निकाल हल। ये बातें बैठी है दिमाग में जो कभी छूटे ना वो आस। दिल नाराज दिल में राज, धुन किताब में माँ की याद में। जी रहा हूँ जिंदगी को ऐसे, खुशी है मेरी तू ही ना ये पैसे। मैं जी रहा हूँ जिंदगी को ऐसे, खुशी है मेरी तू ही ना ये पैसे। सफर ये जीले पल, सफर ये बदले पल, सफर ये जीले पल, सफर। मेरी माँ मुझे हमेशा कहा करती थी कि पराग, तेरा जन्म किसी बड़े काम के लिए हुआ है, पर कौन सा बड़ा काम ये नहीं बताया। सर पे ढेर सारा कर्जा, 1000 बच्चों को पढ़ाने वाला पराग 100 बच्चों में सिमट के रह गया। रात थोड़ी लंबी क्या हुई, लोग कहने लगे सूरज खत्म हो गया, पर चर्चे अभी भी उसी के हैं हर तरफ, और लोग कहने लगे उसका वक्त खत्म हो गया। और उसके बाद मेरी जिंदगी का एक नया पड़ाव शुरू हुआ। हमेशा उसकी मदद करना जिसकी मदद कभी कोई नहीं करता, और जिसकी मदद कभी कोई नहीं करता है वो इंसान अपने आप को बेकार समझता है, और बेकार इंसान अपनी जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाता, समझा? समझ गया माँ। ओए इधर आ। कौन? हाँ तू, इधर आ। पढ़ाई करना चाहता है? कर पाएंगे, ये तो रही जो भी चीज़ है, जिसके पास पैसा है वो ही बस पढ़ सकता है। तू पढ़ना चाहता है? अरे भैया हम कहाँ पढ़ पाएंगे, किसी की हमको नारियल पकड़ना पड़ता है, नहीं तो नारियल पकड़ना पड़ता है, और जितने पैसे आते हैं बाकी 20-30 रुपए अपने मम्मी को दे देते हैं, जो बचते हैं राशि गुट्टा खा लेते हैं। राशि कितने रुपए की आती है? 10 रुपए। ये 10 रुपए कहाँ से जाना तूने, पढ़ाई से ना? अगर मैं तुझे रोज का 50 रुपया दूं पढ़ाई करने का तो तू पढ़ेगा? अबे तू पढ़ाई करेगा? हाँ भैया, अगर पैसे दोगे तो पढ़ाई। ठीक है, तो फिर कल से तुझे इसी घाट पर पढ़ाऊंगा, और अपने दोस्तों को भी लेते आना। उनको ही पैसे दोगे? सबको पैसे दूंगा। भैया फिर अगले दिन बच्चे आए? मुझे तो लग रहा था कोई नहीं आएगा, मगर कोई नहीं आएगा।
जिंदा था पर किसके लिए, मुर्दा बन गया था हर एक के लिए। जब मैया के पानी ने सींचा मुझे तो काबिल बन गया कुछ ऐसा कि वक्त भी अब मुझसे पूछ के चले। भैया फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, बच्चे आने लगे, पढ़ाई शुरू हो गई। चलो छोड़ो, तुम अपना ब्लॉग लिखो। यार भैया ये क्या बात होती है, पूरी स्टोरी सुनाओ। चलो अच्छा, आज मैं तुम्हें स्टोरी दिखाने लेके चलता हूँ, बैठो कार में। हाँ चलो। पर बैठू कहाँ? लेकिन कहीं भी बैठ जाओ जहाँ जगह मिले। अच्छा एक काम करो, ये सारा सामान पीछे रख दो और मम्मी जी की फोटो हाथ में ले लो। भैया फिर क्या हुआ? मेरी नर्मदा प्रीति इंटरनेशनल स्कूल की पहली क्लास हुई। तू खड़े हो, क्या नाम है तेरा? या मेरा नाम साहिल है। क्या करता है? काले मंदिर में पुजारी। तुम खड़े हो, क्या नाम है तुम्हारा? पुनीत। क्या करते हो? ये की दुकान लगाता हूँ। खड़े हो आप, क्या नाम है आपका? जानवी। क्या करती हो? ये बेचती हूँ। बढ़िया, बैठ जाओ सब। आज हम अपने देश के प्रधानमंत्री के बारे में जानते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? कोई बात नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। कौन है? बहुत अच्छे। आप सब लोग भगवान की पूजा करते हैं? कौन कौन करता है? सभी लोग करते हैं। दिन में भगवान का कितनी बार नाम लेते हैं? 7 बार, 10 बार, 12 बार, बहुत बार, है ना? और देश का नाम? देश का नाम कितनी बार लेते हैं? 7 बार, 5 बार, 1 बार? नहीं, क्यों? ये देश भी तो हमारा भगवान है। अब इस देश की मिट्टी का है तू, तू और तू भी। हमारी जड़ें हैं इस देश की। इस देश ने कितना कुछ दिया है हमें और एक भी बार नाम नहीं। कोई बात नहीं, आज से हम दिन में एक बार प्रण लेते हैं, दिन में एक बार देश का नाम जरूर लेंगे। क्या बोलेंगे? जय हिंद जय भारत। क्या बोलेंगे? जय हिंद जय भारत। बहुत अच्छे। चलो अब हम अपने देश के बारे में पढ़ते हैं। सिया तुम मुझे एक बात बताओ, किसी 2 या 3 साल के बच्चे के हाथ में रजिस्टर और पेन पकड़ा दिया जाए तो क्या वो कुछ लिख पाएगा? कभी नहीं, क्योंकि कभी उन्हें कुछ सिखाया ही नहीं गया। ऐसी मेरे घाट के बच्चों के साथ भी है। कभी किसी ने उन्हें पढ़ाने की कोशिश ही नहीं करी। फिर मैंने स्टार्ट किया। मैं उन्हें लालच देता था, पढ़ने आओ तुम्हें चॉकलेट दूंगा, मैं तुम्हें गिफ्ट्स दूंगा। एक बच्चा आया, 2 बच्चे आए, 9 बच्चे आए, 30 बच्चे आए और धीरे धीरे बच्चों की तादाद बढ़ने लगी और आज घाट पे मेरे पास 120 बच्चे हैं। नमस्कार, जय हिंद जय भारत। हमारे भारत में 29 राज्य हैं। ये हमारा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। ये हमारा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। ये हमारा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। भैया सिर्फ आप इन बच्चों से इतना प्यार करते हो, ये भी करते हैं आपसे? अरे ऐसा मत बोलना, ये बच्चे भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरे लिए किसी से भी लड़ सकते हैं। चल आज मैं तुझे एक किस्सा सुनाता हूँ। एक दिन मैंने अपनी क्लास से एक लड़की को निकाल दिया था क्योंकि वो मोबाइल चला रही थी। मैंने बोला चलो नर्मदे हर, और फिर रात को मेरे गौरीघाट के स्कूल में उसका बॉयफ्रेंड आया। 625 का स्क्वायर। नमस्कार, सॉरी सॉरी बच्चों, सिर्फ 2 मिनट लूंगा। कौन पढ़ा रहा है? पराग दीवान, ये वही है ना जो शहर में पाप करता है और यहाँ घाट पर आकर पुण्य कमाने की कोशिश करता है। ये झूठा इंसान वहाँ बच्चों को डांटेगा, मारेगा, चिल्लाएगा और यहाँ पर इन बच्चों को पढ़ाकर भगवान बनना चाहता है।
अबे चंदे गेंडे, भैया के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलना वरना छोटे पैकेट से बड़ा धमाका हो जाएगा। या हमारे कोई पाप आप नहीं करते, और हाँ हमारे भैया है भगवान। चुप हो जाओ सब। इधर आ। गर्लफ्रेंड है वो तेरी? तो बॉयफ्रेंड सुन, अपनी गर्लफ्रेंड को जाके बोलना कि क्लास में मोबाइल चलाने के बदले पढ़ाई कर ले, माँ बाप के पैसे ना बर्बाद करे। अब निकल इधर से, नहीं तो मेरे बच्चे तेरे को अब भी पढ़ा देंगे। चल निकल। मैंने जीने की सिर्फ एक वजह मांगी थी, लेकिन नर्मदा मैया ने मुझे जीने की 120 वजह दे दी। वो आया तो था मेरी बेइज्जती करने, लेकिन खुद की करवा के चला गया। वैसे हम यहाँ क्यों खड़े हैं? देखो वो भोलेनाथ जी के नीचे वाला प्लॉट दिख रहा है? हाँ। वो अपना नहीं है। देखो ये वाला प्लॉट दिख रहा है? हाँ। वो रेलवे लाइन के पीछे वाला? हाँ हाँ। वो भी अपना नहीं है। क्या यार भैया, ये तुम्हारे सामने वाला प्लॉट दिख रहा है? हाँ, ये भी अपना नहीं होगा। ये अपना है, यही बनेगा अपने बच्चों के लिए नर्मदा प्रीति इंटरनेशनल स्कूल। इसी प्लॉट पे अपन अपना स्कूल खोलेंगे, एक ऐसा स्कूल जहाँ छात्र ही शिक्षक होगा। नर्मदा प्रीति इंटरनेशनल स्कूल। हमारे स्कूल में टीचर्स नहीं होंगे। ट्वेल्थ वाला टेंथ वाले को पढ़ाएगा, टेंथ वाला एट्थ वाले को पढ़ाएगा, एट्थ वाला सेवेंथ वाले को पढ़ाएगा, और जो सैलरी टीचर्स को मिलती है वो इन बच्चों के परिवार वालों को दी जाएगी। वाह भैया, आपने तो पूरा एजुकेशन सिस्टम ही चेंज कर दिया। जो चीज ऑलरेडी चेंज हो चुकी है उसे मैं क्या चेंज करूं? भैया प्लीज, मुझे आपके इन बच्चों से मिलना है। अरे चलो मैं अभी मिलवाता हूँ। बैठ। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। ओए बच्चों, चलो बच्चों जाओ, अब तुम लोग सब दीदी को घुमा के लेके आओ। आओ सिया बैठो। चलो बच्चों तुम लोग थोड़ी देर के लिए घूम के आओ। आपको नमस्कार है। कैसा लगा मेरे बच्चों से मिलके? भैया बहुत अच्छा लगा, बहुत क्यूट है आपके बच्चे। अच्छा चल देख, अच्छा अंधेरा हो रहा है, जल्दी अगला सवाल पूछ। हाँ भैया, 4 महीने से आप गौरी घाट में लगातार सेवा कर रहे हैं, इतना डेडिकेशन आपको कहाँ से मिला? चल मैं तुझे आज एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। जब मैं छोटा था क्लास 10th में, तो मैं अपनी मम्मी जी के साथ गौरी घाट आया था। उस समय घाट में एक जगह भंडारा बट रहा था, और मेरी मम्मी जी ने बोला जाओ जाके भंडारा लेके आओ। खिचड़ी बट रही थी उस भंडारे में। अब खिचड़ी बट रही थी घाट पे, तो मेरी मम्मी जी ने बोला जाओ पिंकू खिचड़ी खाओ। मैंने मम्मी जी से बोला मैं खिचड़ी विचड़ी नहीं खाता। मेरी मम्मी जी ने बोला क्यों? मैंने बोला मैं घाट आट की खिचड़ी तो खाऊंगा नहीं, क्या बांट रहे हैं, कैसे लोग हैं। तब मेरी मम्मी जी ने मुझे बोला तुम्हें अन्न की अहमियत नहीं है, तुम्हें अनाज की अहमियत नहीं है। चलो अब तुम मुझे 2 दिन और 2 रात घाट पे रह के दिखाओगे। मैंने भी बोला ठीक है, कौन सी बड़ी बात, रह लूंगा। पैसे थे नहीं जेब में और मैं घाट पे रुक गया। 7:30 का टाइम था, 8:30 हो गया, थोड़ी सी भूख लगी, देखा तो एक छोटा बच्चा किनारे बैठ के खिचड़ी खा रहा है। मैं उसके पास गया, मैंने ये लड़के क्या खा रहा है वे? उस लड़के ने बताया मैं खिचड़ी खा रहा हूँ, भंडारे में खिचड़ी बट रही है। जब मैंने बोला अरे चल छोड़, खिचड़ी विचड़ी नहीं खाना, और मैं आके बैठ गया। 9:30 बज गया, 10 बज गया, लेकिन मैं बैठा रहा।
तब भूख लगना शुरू हुई, पेट में बहुत दर्द, बहुत तेज पेट दर्द। मैं लेट गया, मैंने कोशिश करी कि मैं सो जाऊं, ठंड का टाइम था, भूख बहुत तेज लग रही थी, लेकिन मैंने अपनी जिद के मारे खाना नहीं खाया। रात को 1 बजे मैं उठा और मैंने सोचा, हाँ यार मैं गलत। मैं दौड़ के गया उसी टाइम अपनी माँ के पास, मैंने उनसे माफी मांगे और मैंने अपनी मम्मी जी से बोला, मम्मी जी जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और कुछ बन जाऊंगा अपनी लाइफ में, और अगर मेरे सामने ऐसे लोग आएंगे तो पराग दीवान आपको वचन देता है कि अपनी आखिरी सांस तक पराग दीवान इन फरिश्तों के लिए भोजन की व्यवस्था करेगा। पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। सभी को मात कर देते हैं, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल है, ऐसी स्थिति है हमारे गौरी घाट की, दिखा दो। तो स्थिति बहुत गंभीर है, मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ आए हैं, इनको भंडारा, ये कोरोना वायरस के कारण सब लॉकडाउन होने के कारण खाने को ज्यादा कुछ है ही नहीं, तो मैं चाहूंगा इसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और गवर्नमेंट तक पहुंचाएं, खाने को तो होना चाहिए सबके पास। द्वाविमो पुरुषो लोके, न भूतो न भविष्यता, प्रार्थितम यक्षच कुरुते, यक्षच नार्थयते परम। अर्थात इस दुनिया में दो प्रकार के लोग होना मुश्किल है, एक जो दूसरों की प्रार्थना पूरी करता है और दूसरा जो दूसरों से कुछ मांगता नहीं। सिया कहां लेगा इसे बच्चे, सिया सुष्खलक तरंग भंग रंजितम दुष्यत्सु पाप जात जात कारी वारी संयुतम कृतांत दूत काल भूत भीति हरि वर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, 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 त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे।